में महाराष्ट्र के गोंदिया जिला के पावन गांव टांडा और यहां रहने वाले समस्त ग्रामवासी दीदी भैया अम्मा ताई नौजवान साथी नन्हे मुन्हे बाल गोपाल बच्चे आप सभी के श्री चरणों में जय दुर्गा पंडवानी मंडली ग्राम नीनवा विकास खंड तिलदा नेवरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से बारंबार नमन है, बारंबार प्रणाम है। आइए छत्तीसगढ़ के लोक बैले पंडवानी जिसके कारण छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में पहचान मिली पद्मश्री पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन भाई न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय भी हमारे अंचल के नाम को देश दुनिया में आलोकित करते हुए लोक गाथा पंडवानी को अमृत प्रदान की उस अम्मा के चरण में बारंबार प्रणाम है। मित्रों आजादी के पहले हमारा छत्तीसगढ़ आपके ही राज्य का एक हिस्सा था, नागपुर सेंट्रल प्रोविंस का एक हिस्सा जहां भोसले राजवंश राज्य किया करते थे और इन्हीं नागपुर के भोसले राजवंश में एक राजा हुए ब्रह्मदेव राय जिसके नाम से रायपुर की राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम पड़ा है। और हमें इस बात के लिए बहुत गौरव है कि हम अपने उस मातृ राज्य में आए हैं जहाँ के राजाओं के कारण जहाँ की मिट्टी में उपजे उन वीर सपूतों के कारण हमारा छत्तीसगढ़ दिन दुनी राज चौगुणी तरक्की करते हुए आज उनके अमित नामों को अपने साथ लेकर तरक्की कर रहा है। रतनपुर एक ऐसा स्थान है जो भोसले राजवंशों की राजधानी थी। तत्पश्चात खैरागढ़ में राजा लक्ष्मी भी राय राज्य करते हुए इस क्षेत्र को आलोकित किए। तो आइए उस मातृभूमि को बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबको छत्तीसगढ़ की लोक बैले पंडवानी की कथा यात्रा में लेकर चलेंगे। वैसे पंडवानी का मतलब होता है पांच पांडवों की वाणी जिसमें महाभारत की गाथा को गीतों के साथ लयबद्ध करके गाया जाता है। इसे गाने की दो शैली है, एक को कपालिक शैली कहते हैं और एक को वेदमती शैली कहते हैं। वेदमती शैली का मतलब है शास्त्र सम्मत गायन करना, जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे के वैसे दोहों और चौपाइयों के साथ गायन करना। परंपरा यह रही है कि वेदमती शैली में गायन करने वाले लोग बैठकर गाते हैं। और कपालिक का मतलब होता है कपाल यानी मस्तिष्क में जो बातें और आती हैं उनको भी जोड़ते हुए जन मनोरंजन के लिए अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हुए खड़े होकर गायन करना, इसे कपालिक शैली कहते हैं। हमारे यहाँ तीजन भाई